हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा यानी कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अल्फा बीटा और गामा के बीच का रिश्ता। रिश्ता दो तरह के सब्सटेंस के लिए होता है, एक होता है आइसोटोपिक सब्सटेंस, एक होता है एनआइसोटोपिक सब्सटेंस। अब पहले अपन बात करते हैं आइसोटोपिक सब्सटेंस के लिए। नाम से ये आइसोटोपिक, स्पेलिंग देख लेना आइसोटोपिक। ठीक है, आइसोटोपिक का मतलब क्या होता है कि यार लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में जो एक्सपेंशन होगा वो सेम कोफिशियंट के साथ होगा। मतलब लेंथ में अगर अल्फा के साथ, लेंथ में लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है तो ब्रेथ में का भी लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ही होगा, हाइट का भी लीनियर एक्सपेंशन। मतलब लेंथ में जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है उसी रेट से ब्रेथ में भी एक्सपेंशन होगा, उसी रेट से हाइट में भी एक्सपेंशन होगा। यानी कि आइसोबैरिक सब्सटेंस ऐसा होता है जिनका किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या दूसरे डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में अल्फा का वैल्यू सेम होता है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? सेम। लेंथ के लिए, ब्रेथ के लिए, हाइट के लिए, हर जगह के लिए अल्फा की वैल्यू सेम होगी। ऐसे सब्सटेंस बोलते हैं आइसोटोपिक सब्सटेंस। सबसे पहले आइसोटोपिक सब्सटेंस के लिए अपन रिश्ता निकालते हैं बीटा और अल्फा का। ठीक है, बीटा और अल्फा का रिश्ता निकालने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला यार सपोज करो मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड है ए और ये भी साइड मान लो ए ही है। मैंने क्या बोला कि यार पहले तो अपन किसी बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अपन इसकी बात कर रहे हैं। तो आइसोटोपिक प्लेट है, अभी टेम्परेचर का कितना है? अभी टेम्परेचर का T1 है। हमने टेम्परेचर T1 से बढ़ा दिया। जैसा T1 से बढ़ाया, हमने अभी तुम्हें बोला कि हर जगह एक्सपेंशन का रेट सेम होगा, यानी कि इस लेंथ के लिए भी लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, ब्रेथ के लिए भी लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ही है। यानी कि इसका जो फाइनल लेंथ होगा, ए फाइनल क्या होता है? ए फाइनल होगा ए इनिशियल 1 अल्फा डेल्टा टी, यानी कि इस वाले के लिए भी पर्टिकुलर अल्फा ही है, इस वाले के लिए भी अल्फा ही है। अब इसके ये ब्रेथ में जो एक्सपेंशन हुआ ए फाइनल, वो कितना हो गया? ये ब्रेथ का एक्सपेंशन हो गया ए इंटू 1 अल्फा डेल्टा टी, सब कुछ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं इसके फाइनल एरिया की बात किया, इनिशियल एरिया, एरिया इनिशियल कितना था? एरिया इनिशियल था ए स्क्वायर, जो कि स्क्वायर था। फाइनल एरिया की जब हमने बात की तो फाइनल एरिया को मैंने लेंथ इनटू ब्रेथ या साइड स्क्वायर किया, तो ये आ गया ए स्क्वायर 1 अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां तक सब कुछ सही है। मैंने बोला ए फाइनल इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्या है? ए इनिशियल। अब 1 अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर आ गया। कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हें बताया था कि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, अल्फा की वैल्यू 10^-2 के टर्म में होती है। अब अल्फा की वैल्यू 10^-2 या 10^-3 के टर्म में है और 1 अल्फा यानी कि 1 तुम्हें पता हो बाइनोमियल में 1 एक्स की पावर एन अगर रहे और एक्स मच मच लेस देन 1 रहे तो इट कैन बी रिटन एज 1 ±nx। इसको ऐसे लिखा जा सकता है ये बाइनोमियल। इस चीज का इस चैप्टर में बहुत यूज पड़ने वाला है क्योंकि अल्फा जो होता है वो वैल्यू 10^-2 10^-4 के टर्म आसपास होता है। तो अब तुम सोचो कि ऐसी वैल्यू हो जहां पे 10^-4 हो या 10^-2 हो, वहां पे अगर मुझे ए फाइनल लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? ए फाइनल इज इक्वल्स टू ए इनिशियल, 2 आगे आ गया, 1 अल्फा डेल्टा टी, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कंपेयर करो कोफिशियंट ऑफ सुपर एक्सपेंशन बीटा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा वाले के लिए। बीटा वाले क्या होता है? ए फाइनल इज इक्वल्स टू ए इनिशियल 1 बीटा डेल्टा टी होता है, होता है ना। यहां पे तुम अगर गॉड दोनों को कंपेयर करो तो 2 अल्फा किसके बराबर है? बीटा। यानी कि आइसोटोपिक सब्सटेंस के लिए बीटा 2 अल्फा के बराबर होगा, ये तुम्हें याद रखना है आइसोटोपिक के लिए। सिमिलरली मैंने बोला रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, अल्फा और गामा के बीच, उसके लिए अपन क्या मान ले? उसके लिए अपन ने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि मेरे पास एक क्यूब पड़ा हुआ है, साइड सबका ए ए ए है, यहां भी अल्फा है, यहां भी अल्फा है और यहां भी अल्फा है, सबकी साइड ए ए ए, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर का बढ़ाया, पहले मैं बात करता हूं कि इनिशियल वॉल्यूम, वी इनिशियल क्या है? वी इनिशियल मेरा एक क्यूब है, इसको छेड़ो भी मत। फाइनली इसमें भी बढ़ाई, बढ़ोतरी हुई, इसमें बढ़ोतरी हुई, इसमें बढ़ोतरी, तीनों में बढ़ोतरी हुई। जब तीनों में बढ़ोतरी हुई तो मैंने क्या बोला, जो वी फाइनल मैं लिखूंगा वो लिखूंगा एक क्यूब, एक क्यूब बोले तो ए फाइनल का क्यूब, ए फाइनल का क्यूब। और मुझे पता है कि ए फाइनल क्या है, तो ए फाइनल है ए इनिशियल 1 अल्फा डेल्टा टी, यही तो है इसका क्यूब। यानी कि वी फाइनल इज इक्वल्स टू ए आई का क्यूब 1 अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब,
ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। अब मैंने क्या बोला, फिर से वही बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे, थ्री आगे कूदेगा तो वी फाइनल विल बी ए आई का होल क्यूब, यानी कि वी इनिशियल वन प्लस थ्री अल्फा डेल्टा टी, थ्री आगे आ गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो वहां अब मैंने इसको कंपेयर किया वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल वन प्लस गामा डेल्टा टी से, जैसे मैंने कंपेयर किया मुझे दिखा कि थ्री अल्फा यहां पे गामा के बराबर है, हो गया एक्सप्रेशन भी आ गया। तो रिलेशन क्या आ गया, आइसोटोपिक सब्सटेंस के लिए बीटा की वैल्यू टू अल्फा के बराबर होती है और गामा की वैल्यू थ्री अल्फा के बराबर होती है फॉर आइसोटोपिक सब्सटेंस। बट हर सब्सटेंस आइसोटोपिक नहीं हो सकता, कुछ सब्सटेंस एन आइसोटोपिक भी होते हैं। अब वो क्या होगा, जो सब्सटेंस एन आइसोटोपिक होंगे उसके लिए क्या होगा, तो एन आइसोटोपिक सब्सटेंस की अगर बात की जाए, ध्यान सुनना, एन आइसोटोपिक सब्सटेंस की अपन बात करें उसके लिए अलग अलग डायरेक्शन में एक्सपेंशन का कोफिशियंट अलग अलग होता है। मतलब एन आइसोटोपिक सब्सटेंस की अपन बात करें, एन आइसोटोपिक की बात करें उसके लिए अलग अलग डायरेक्शन में एक्सपेंशन का कोफिशियंट अलग अलग होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं क्या बोल रहा हूं, यार सपोज करो मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, इसका साइड लेंथ तो ए है, बट इसका कोफिशियंट ऑफ इस साइड का लेंथ में कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा वन है, दूसरा साइड भी ए ही है, इसका अल्फा टू मान लो, इसका कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन कितना है, अल्फा टू है। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, फाइनली ये एरिया इसका ए इनिशियल से, ये ए इनिशियल था, अब इसका एरिया हो गया ए फाइनल। मैंने बोला बताओ क्या क्या रिलेशन होगा बीटा और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा। मैंने बोला यार जो ए इनिशियल है वो क्या है, ए इनिशियल मेरा ए स्क्वायर है, ए फाइनल के लिए मैंने बोला ये लेंथ बढ़ा, ये लेंथ बढ़ा, ये लेंथ कैसे बढ़ा, ये लेंथ हो गया ए इंटू वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी और ये हो गया ए इंटू वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, यहाँ अल्फा वन आ गया, यहाँ पहले तो दोनों जगह सेम था। अब जैसे मैंने ए फाइनल की बात की तो बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेथ जो भी कर लो, तो ए इंटू ए ये तो हो गया ए स्क्वायर वन प्लस अल्फा डेल्टा टी अल्फा वन डेल्टा टी और ये हो गया वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, सब कुछ बढ़िया। जब तुमने ए स्क्वायर की बात की तो ए स्क्वायर मेरा क्या है, ए फाइनल इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि ए इनिशियल वन इंटू वन ये वन आ गया, वन इंटू अल्फा टू यानी कि यह आ गया अल्फा टू डेल्टा टी, अल्फा वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी, अल्फा वन इंटू अल्फा टू प्लस अल्फा वन अल्फा टू डेल्टा टी का स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आ गया ना। अब सोचो अल्फा वन टेन टू दी पावर माइनस टू, अल्फा टू टेन टू पावर माइनस टू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ टेन टू द माइनस फोर, 10 टू दी पावर माइनस फोर और यहां पे है 10 टू दी पावर माइनस टू, इसको क्या कर दो, इसको कर दो निगलेक्ट, यहां से आ गया ए फाइनल इज इक्वल्स टू ए इनिशियल 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। इसको जब मैं कंपेयर किया अपने सुपरफिशियल एक्सपेंशन एरिया वाले से तो मुझे ये रिजल्ट मिला कि एरिया वाले से क्या होता है कि ए फाइनल होता है ए इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी के बराबर। कंपेयर किया जाए तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा वन प्लस अल्फा टू के बराबर आ जाएगी बीटा की वैल्यू। सिमिलरली अगर तू वॉल्यूम में करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री, बाकी टर्म को तुम्हें निगलेक्ट करना है। यानी कि वॉल्यूम वाले के लिए गामा की बात की जाए तो यह गामा का रिलेशन क्या आ जाएगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री। कई बार इस तरह का सवाल पूछता है, जैसे कि सवाल वो ऐसा पूछेगा कि ये बताओ मेरे पास एक क्यूब है, सवाल उसका कुछ ऐसा ही रहेगा कि मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब का इसका कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसकी वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10 टू माइनस 2 पर डिग्री सेल्सियस, इसका दिया हुआ, इस साइड का दिया हुआ है अल्फा बराबर 1 10 टू द पावर माइनस 2 पर डिग्री सेल्सियस और इसका लिया है अल्फा बराबर 3 इंटू 10 टू माइनस 2 पर डिग्री सेल्सियस, ये दे दिया। उसने फेस दे दिया कि यार मेरा फेस ए बी सी डी ई एफ जी एच है, ठीक है, और वो सवाल ऐसा ही पूछ देगा कि भाई एक बात बताओ जो बीटा होगा, जो बीटा होगा ए बी सी डी वाले फेस के लिए बीटा क्या होगा। अब ए बी सी डी वाले के लिए ये तो अल्फा आ गया, भाई ए बी सी डी वाला फेस यही सामने वाला फेस तो है, यहाँ पे अल्फा वन ये है अल्फा टू ये है, यानी दिस प्लस दिस यानी कि इसका जो बीटा वन होगा ये होगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू यानी कि फाइव इंटू टेन पावर माइनस टू पर डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली वो पूछ देगा कि भाई बीटा तो बताओ ए जी एच डी फेस के लिए, ए जी एच डी फेस के लिए तो लेंथ में ये वाली होगी, ये वाला क्या है तो ये वाला ये है मेरा, और हाइट वाला क्या है तो हाइट वाला ये, तो वन प्लस थ्री या जाएगा फोर इंटू टेन टू माइनस टू
पर डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली वो बोल देगा कि भाई इस पूरे के लिए गामा बताओ, इस पूरे वॉल्यूम के लिए गामा, गामा क्या होगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री, तीनों को जोड़ोगे 3 × 2 = 5 = 6 इंटू 10⁻²² पर डिग्री सेल्सियस। इस तरह का सवाल अगर पूछता है तो अपने को घबराना नहीं है, इस तरह का सवाल अपन कर लेंगे। तो जितनी बातें हो रही है सब किसके लिए हो रही है, अपन आइसोटॉपिक और एन आइसोटॉपिक सब्सटेंस के लिए अल्फा बीटा और गामा की बात कर रहे हैं कि कैसे इनका अल्फा बीटा गामा डिफर करता है बाकी चीज़ों के अल्फा बीटा गामा के साथ। ठीक है, तो आज का लेक्चर इसका यहीं पे समाप्त करते हैं, अपन अगले लेक्चर में फिर से इसके सवाल करें।